नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज की स्पीड हम लोग जानेंगे, अगर आपने अपना ईश्रम कार्ड बनाया होगा और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गया हो, फिर चाहे आपका नाम हो या एड्रेस हो या फिर बैंक अकाउंट हो, तो आप उसमें आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी मिस्टेक हो गया हो तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। और अगर आपको अपना फिर से जो ईश्रम कार्ड है वो डाउनलोड करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप अगर आपका खो गया हो या फिर आपको फट गया हो या फिर कोई भी कारण हो, तो आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो तुरंत से कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ईश्रम कार्ड आपका बना होगा तो इसमें पहले से यहाँ पर लॉगिन होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर, फिर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड है उससे लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है, फिर कैप्चा डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। सबमिट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है 12 डिजिट का। और यहाँ पर आप तीन माध्यम से इसका बायोमेट्रिक कैप्चर कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फिर अपना कैमरा के माध्यम से, आइरिस और OTP के माध्यम से। मैं OTP के माध्यम से करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देता हूँ, आधार कार्ड नंबर और OTP पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से, उस पर एक OTP जाएगी, फिर से यहाँ पर आप फिल करेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे। और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर खुल जाएगा, जो भी आपका बना होगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट EKYC इंफॉर्मेशन। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड UAN कार्ड। तो अगर आपको करेक्शन करना है कुछ भी तो आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल में आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करूँगा तो मेरा सारा यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं बैक आता हूँ। अगर आपको एड्रेस चेंज करना हो तो यहाँ पर आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन और इनकम अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर अभी आप चेंज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन और स्किल चेंज करना हो तो आप यहाँ पर वो भी चेंज कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना हो या फिर बैंक दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल डालना हो तो यहाँ पर आप पूरा चेंज करके पूरा डाल सकते हैं नया वाला, और फिर यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं करना, इसलिए मैं बैक आता हूँ। और यहाँ पर आप प्रीव्यू प्रोफाइल करके अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डाउनलोड UAN कार्ड, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो ईश्रम कार्ड है वहाँ पर आप फिर से आ जाएगा। इसको आप फिर से यहाँ पर डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक करके आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ईश्रम कार्ड बनाना नहीं आता है तो उस पर भी मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अपना या अपने फैमिली मेंबर का जिसका भी आपको बनाना हो ईश्रम कार्ड, आप सिंपली आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और फिर भी आपको कोई परेशानी होती हो तो आप सवाल ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।